सब खैरियत होंगे। मैं हमाद 946 एंड वेलकम टू माय अनदर वीडियो, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि विंडो 11 कब रिलीज होगी, उसकी क्या डेट होगी, और हम लोग आज विंडो 11 के कुछ फीचर्स पे बात करेंगे कंपेयर टू विंडो 10। क्या चेंजिंग्स आई हैं विंडो 11 में, क्या विंडो 11 विंडो 10 से इजी टू यूज़ है, कुछ सेपरेट है, क्या क्या चेंजिंग्स हुई हैं, जानेंगे आज हम लोग इस वीडियो में। तो सबसे पहले रिलीज़ डेट की बात करते हैं कि विंडो 11 ने किस डेट को रिलीज़ होना है। वो डेट है 24 जून, थर्सडे, जो कि आज से 4 दिन बाद रिलीज़ होगी विंडो 10, विंडो 11। और विंडो 11 की जो ऑफिशियल डेट 24 जून रिलीज़ होनी है, उससे पहले ही कुछ फीचर्स बताए गए हैं। और विंडो 11 मतलब ये जो कॉपीज़ वगैरह होती हैं वो बाहर निकल जाती हैं और बहुत से लोगों ने इंस्टॉल भी कर ली है, मुझे छोड़ के अभी, क्योंकि मैंने इंस्टॉल नहीं की। जल्द कर लेंगे भाई, विंडो 11 अब आ गया है, तो जाहिर सी बात है तो विंडो 10 को यूज़ करते करते सब लोग थक गए होंगे। और माइक्रोसॉफ्ट वालों ने बोला कि भाई गिफ्ट है हमारी तरफ से विंडो 11, खैर गिफ्ट तो नहीं है, क्योंकि अब जिस तरह से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है, टेक्नोलॉजी में चेंजिंग्स आती जा रही हैं, उसी तरह से हमारे विंडोज़ चाहे हो, चाहे ऑपरेटिंग जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, उसको सिक्योरिटी के लिहाज से उसमें चेंजिंग्स करना लाजमी है। क्योंकि जब तक आप अपने कस्टमर को नई चीज़ें नहीं प्रोवाइड करते रहेंगे तो वो पुरानी यूज़ करते करते बोर हो जाएंगे और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वो उस चीज़ को छोड़ देते हैं। तो अभी हम लोग कुछ अपडेट्स की बात करते हैं, जो कि कुछ अपडेट्स हैं जब विंडो 11 ऑफिशियली लॉन्च हो जाएगी तो तब फिर इस पर एक वीडियो बनाएंगे और सब कुछ आपको इस विंडो का एक प्रॉपर वे से बताया जाएगा। तो अभी हम लोग ज़रा विंडो 11 के कुछ फीचर्स पे नज़र डालते हैं जो कि चेंज हुए हैं कंपेयर टू विंडो 10। अगर मैं अपनी बात करूँ तो जो कि मैंने विंडो 11 में थोड़ी चेंजिंग्स देखी हैं, बहुत सारी रिसर्च करने के बाद जो चेंजिंग्स मुझे देखने को मिली हैं, काफ़ी अच्छी चेंजिंग्स विंडो 11 में की गई हैं। बट विंडो 10 को देखा जाए और विंडो 11 को देखा जाए, काफ़ी ज़्यादा सिमिलर ही आ रही हैं। तो जाहिर सी बात है भाई, माइक्रोसॉफ्ट की दोनों विंडोज़ हैं, तो जाहिर सी बात है कि विंडो 11 एकदम से चेंज नहीं हो सकती प्रॉपर, की मतलब पूरी की पूरी चेंज नहीं हो सकती थी। इस वजह से उन्होंने विंडो 10 को थोड़ा अपग्रेड किया। लाइक मेरे पास भी अपडेट आई है कि कुछ ना कुछ चेंजिंग्स आई हैं, जिस तरह से वेदर बताया गया है, साथ में कुछ टैब्स दिए गए हैं, न्यू टैब्स दिए गए हैं। वेदर वाली अपडेट आई है कि आपके बिल्कुल कॉर्नर पे वेदर का एक छोटा सा आइकन आ जाता है, आपकी लोकेशन पकड़ लेता है कि क्या लोकेशन आपकी, आपकी लोकेशन पे इस टाइम वेदर क्या है, कितनी सेंटीग्रेड है। लाइक ये छोटी मोटी अपडेट्स विंडो 10 में भी आई हैं। और विंडो 11 की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा चेंज आई है, स्टार्टअप भी विंडो का काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है। उसके अलावा जब हम विंडो इंस्टॉल करते हैं तो इस तरह से इंस्टॉलेशन होती है, जिस तरह से आप एक मोबाइल में एक न्यू मोबाइल लेते हैं, उसका जो ओपनिंग होती है, मतलब कि जिस तरह से आप मोबाइल को एक न्यू मोबाइल को ओपन करते हैं, उसकी सेटिंग करते हैं, लाइक दैट आपको बिल्कुल विंडो 11 इंस्टॉल करने को मिलेगी। और जब स्टार्ट होता है तो मतलब फ्रंट स्क्रीन जो उसकी आती है उसके नीचे, मतलब कि पहले आपको विंडो के लेफ्ट साइड पर स्टार्ट बार देखने को मिलती थी, बट अब विंडोज़ की डिफ़ॉल्ट सेटिंग में जो आ रही है स्टार्ट बार, वो दरमियान में आ रही है। लाइक एप्पल की जो सेटिंग है, नोटबुक मैकबुक कह सकते हैं जो कि आईफोन की है, उस तरह की सेटिंग विंडो 11 में लाई गई, जो कि काफ़ी डिसेंट किस्म की सेटिंग लगी और बहुत अच्छी सेटिंग लग रही है। उसके अलावा एक और सेटिंग आई है, मतलब काफ़ी ज़्यादा सेटिंग्स आई हैं, आहिस्ता आहिस्ता बात करते हैं। आइकन्स में सेटिंग्स की गई है, लाइक उनके आइकन्स काफ़ी ज़्यादा फिल्टर किए गए हैं, मतलब आइकन्स पे भी काफ़ी ज़्यादा काम किया गया है। और आइकन्स को देखें तो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट लिख रहे हैं, मतलब कि विंडो 11 में जो चीज़ चेंज की गई है वो सारी ही डिसेंट दिख रही है, मतलब कि आपको एक न्यू एक्सपीरियंस मिलता है विंडो 11 को चलाने में। क्योंकि विंडो 10 और विंडो 11 काफी ज्यादा सिमिलर हैं, बट विंडो 11 में कुछ चेंजिंग्स ऐसी लाई गई हैं, कुछ न्यू एटमॉस्फेयर मतलब आपको देखने को वहां पर मिलता है कि आपको लगता है कि भाई ये विंडो 11 है और काफी ज्यादा स्मूथ चलती है। वो तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम तक डिपेंड करता है कि कौन सा है और किस तरह से चलेगी, बट ये कि विंडो 11 जो है काफी अच्छी देखने को मुझे मिली है। उसके अलावा एक और टैब आता है, एक क्रॉस का बटन मिलता है, उसके साथ मैक्सिमाइज का बटन मिलता है और साथ में मिनिमाइज का बटन मिलता है। मैक्सिमम जो बटन है, अब विंडो 7 में ये दिया गया है, विंडो 10 में जरा इसका और नाम है, और ये जो मैक्सिमाइज का बटन दिया गया, अब इसमें कुछ चेंजिंग्स की गई हैं। आप जिस पे उस पे मतलब के होल्ड रखते हैं
तो आपको दिया जाता है, आपको चार ऑप्शन दिए जाते हैं। एक हाफ स्क्रीन पे आपने रखना है, मतलब कि हाफ हाफ पे दो आपने स्क्रीन रखनी है, लाइक एक टैब आपका यहाँ पर आ रहा है, दूसरा टैब आपका यहाँ पर आ रहा है, दोनों में आप मतलब साथ काम करें। और उसके बाद दूसरी आ रही है कि भाई आप तीन टैब पे काम करना चाह रहे हैं, एक टैब नीचे आएगा, दो टैब यहाँ पर आएंगे, मतलब कि एक राइट पे एक लेफ्ट पे, और एक टैब और आ रहा है, लाइक आपको फोर टैब दिए जा रहे हैं, 1, 2, 3 and 4, मतलब कि दो यहाँ पर होंगे एंड दो यहाँ पर होंगे। उसके अलावा विंडो 11 में काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग्स दिखने को मिली है, मतलब काफ़ी ज़्यादा एक अलग सा लुक प्रोवाइड करती है विंडो 11। और जो लोग ये बोलेंगे कि भाई विंडो 10 में और विंडो 11 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो भाई मैं भी बोलूँगा कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट की ही एक विंडो है, और विंडो 10 के बाद विंडो 11 में इतनी ज़्यादा चेंजिंग्स अगर कर देते तो उन्हें एक मतलब कि न्यू ट्यूटोरियल्स बनाने पड़ते कि भाई किस तरह से इसको यूज़ किया जाता है। मतलब कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी जब अपना सॉफ्टवेयर रिलीज़ करती है तो उसको शायद में गाइड भी रिलीज़ करनी पड़ती है, क्योंकि अपने उन्हें अपने कस्टमर्स को बताना है, अपने एम्प्लॉयज़ को बताना है कि भाई ये सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ किया जाता है। तो इस वजह से भी हो सकता है विंडो 10 को थोड़ा सा अपग्रेड करके विंडो 11 में कन्वर्ट किया गया, और माइनर सी चेंजिंग्स की गई हैं, माइनर तो नहीं, थोड़ी ज़्यादा ही की गई हैं। अब जब विंडो 12 या विंडो 13 या जो भी आएगी, आहिस्ता आहिस्ता इसको चेंज करते रहेंगे, इसमें अपडेट्स लाते रहेंगे, और विंडो 11 टोटली चेंज हो जाएगी। अब आहिस्ता आहिस्ता इसको जो चेंज लाते रहते हैं, मतलब कि एकदम से इस वजह से चेंज नहीं लाया जाता, क्योंकि आप मैंने आपको बताया कि अगर आप न्यू सॉफ्टवेयर रिलीज़ करते हैं तो आपको उसको साथ में अपने एम्प्लॉयज़ को अपने कस्टमर्स को बताना पड़ता है भाई सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ किया जाता है, वॉट एवर जो भी है। और इस वजह से आहिस्ता आहिस्ता जब चेंज होगी तो आपको पता चल जाएगा भाई प्रीवियस वेरिएंट आपने चलाया होगा, आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। तो आहिस्ता आहिस्ता माइनर चेंजिंग्स करते हुए विंडो 11 भी टोटली चेंज हो जाएगी, जो कि मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात है भाई, हमारे लिए एक न्यू एक्सपीरियंस गेन होगा। जहां तक रही विंडो 11 के रिलीज़ डेट की बात, वो 24 जून को ऑफिशियल डेट बताई जा रही है, बट ऑफिशियल डेट की रिलीज़ होने से पहले ही कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जहां पर विंडो 11 आ चुकी है। अब मैंने वहां से डाउनलोड नहीं की ना इंस्टॉल किया है, बट ये ही है कि आप गूगल पे अगर लिखते हैं तो आपके पास विंडो 11 आ जाती है, और काफ़ी ज़्यादा ऐसी वेबसाइट्स भी हैं जहां पर विंडो 11 आ चुकी है। मैं यहां पर नहीं डिस्कस करूंगा कौन सी वेबसाइट है कैसी है। तो ये थी आज की अपडेट विंडो 11 की, जो कि ज़्यादा तो नहीं कह सकते, मतलब कि कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर दी गई। जैसे जैसे मुझे न्यू अपडेट्स मिलती रहेंगी तो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा और आपको बताता रहूँगा। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।